Hallelujah, praise the Lord. स्तुति हो लॉर्ड जीसस, महिमा करते हैं खुदा, तारीफ करते हैं पिताजी, बड़ाई करते हैं पवित्र आत्मा, आदर सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं पुत्र, हाँ त्रियज्ञ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। आज के फास्टिंग में, उपवास में की गई प्रार्थना का उत्तर, जवाब हाँ आमीन में हमें दीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। मेरे प्रियो, आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में, उपवास प्रार्थना में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर प्रभु को पुकारे, प्रभु को आवाज दे, प्रभु से प्रार्थना विनती दुआ याचना करें। प्रभु अनुग्रह करेगा, दया करेगा, कृपा करेगा, प्रभुता करेगा, आप जो कुछ भी चाहेंगे वो करेगा, जो कुछ भी मांगेंगे वो देगा। वो कहता है जब आप पे, यूहन्ना 16 अध्याय के 23 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें वो कहता है, यानी कि हमारा प्रभु हमसे कहता है कि जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। विश्वास कर लीजिए मेरे प्रियो, हाँ विश्वास कर लीजिए और यीशु के नाम में मांगिए, जो चाहेंगे सच में आपको मिल जाएगा। देर होता है, विलम्ब होता है, तो निराश मत होइए, प्रभु की कुछ योजना है, मकसद है, पूरा होने दीजिए। यह मेरे 29 अध्याय के 11 पद के वचन को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, खुद प्रभु बोलता है कि जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है उन्हें वो जानता है कि वे हमारी हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में वे हमारी आशा को पूरी करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे जीवन को लेकर के, हमारे प्रति प्रभु का जो मकसद है, योजना है, वो हमारी हानि की नहीं पर कुशल की है। उस मकसद को, उस योजना को आप पे पूरा होने दीजिए, फिर प्रभु के काम को आप अद्भुत रीति से, अनुग्रह को, महिमा को अद्भुत रीति से देखिएगा अपने जीवन में, आते हुए, होते हुए, प्रकट होते हुए देखिएगा, हाँ देखिएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हर रोज की प्रार्थना को सुनता है। आप प्रतिदिन प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं, हर दिन के पहला समय में, यानी कि बिस्तर से उठते ही प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, दोपहर में भी प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं, शाम को बिछौने में जाने से पहले प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु सुनता है। हर रोज़ की प्रार्थना प्रभु को सुनाई देती है, आपकी दुआ याचना विनती प्रभु को सुनाई देती है, वो सुनता है। भरोसा रखिए, धीरज धरिए, तुरंत बहुत जल्द उसका उत्तर आपको मिलने वाला है, मिलेगा। हालेलुया, विश्वास में की गई प्रार्थना असफल नहीं होता है। जो अपने आप को नर्म और दीन बना करके प्रभु को सच्चाई से पुकारते हैं, असफल होने वाला नहीं है, प्रभु उसका उत्तर देगा, जवाब देगा। वो कभी सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, इसराइल का परमेश्वर लिखा है, न कभी सोने वाला न कभी ऊँगने वाला खुदा है। उसकी दृष्टि, उसकी आँखें, उसकी नजरें हमेशा हमारे ऊपर गड़ी रहती हैं, वो हमेशा हमें
देखता रहता है, हमारी सुनता रहता है, वो अनुग्रह करेगा। धीरज धरिए, भरोसा रखिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ आपको देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो वादा करता है, मत्ती 7 अध्याय के 7 पद के वचन, हाँ 7 अध्याय के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें वो वादा किया है, बोला है मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। 8 में बोला है कि सुनो, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, ढूंढता है वो पाता है, खटखटाता है उसके वास्ते उसके लिए खोला जाता है। इसीलिए मैं तुमसे कहा हूँ, मांगो तुम्हें मिलेगा। मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए, अब वो समय दूर नहीं है, आप अपनी मांगी हुई चीज़ें अपने जीवन में देखेंगे, वस्तु अपने जीवन में देखेंगे, काम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अस्तुति हो, 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 महिमा हो लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु जी, गाइड कीजिए खुदा। आज जितने फास्टिंग है प्रभु जी, उपवास हैं, उन सबों की सुनिए, उन सबों के मुंह के वचन की ओर अपने कान को लगाइए। जो मांगते हैं प्रभु दीजिए, जो कहते हैं कीजिए प्रभु, ताकि उन सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे, सबके सब बहुतों के बीच में आपकी बड़ाई करे, आपके नाम की प्रशंसा करे, आपके नाम को आदर देवे, आपका सम्मान करे स्वर्गीय पिता। हाँ सम्मान करे लॉर्ड जीसस, एक एक को गवाही के साथ खड़ा कर, एक एक के विश्वास को बढ़ा, एक एक को जीवन दे प्रभु, खुशियाँ दे, हर्ष उमंग दे, सबों के जीवन में झांके, जो कमी घटी है, जिस चीज़ की जरूरत और आवश्यकता है पूरा कर, जो काम कार्य रुका है स्टार्ट कर दे, होने दे और सफल कर। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर, करुणा कर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। अस्तुति हो प्रभु, अस्तुति हो प्रभु, अस्तुति हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो कोई जो कुछ के लिए आप में धीरज धरे हैं, जो कोई जो कुछ के लिए, जिस कामों के लिए आप पर भरोसा किए हैं, जिनका विश्वास आप पर अटल है, उनके धीरज को, विश्वास को, भरोसा को, जो कोई जो जो कुछ की आशा करते हैं, उनके आशा को तू बनाए रख। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर दे, कृपा कर दे, प्रभुता कर दे, करुणा कर दे नासरी। अस्तुति हो पिता, धन्यवाद करते हैं। महिमा हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी, बड़ाई प्रशंसा करते हैं नासरी। सहायता कीजिए अब्बा, धन्यवाद हो फादर, स्वर्ग के प्रभु मेरा पिता। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु, गाइड कीजिए, हाँ गाइड कीजिए। अस्तुति हो प्रभु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कृपा प्रभुता करुणा कर दे, तरस खा सुधी ले, बीमारों को छू जगाए दे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के अंदर अपनी आत्मा उढ़ेल कर, दुष्ट आत्मा को उनके अंदर से निकाल दे, दुष्ट आत्मा के अटैक से, वार से बचा,
धन्यवाद यीशु, बुरी नज़रों से सब प्रकार के बुराई से छुटकारा दे, मलिनता को दूर कर अपराधों को मिटा दे, जाने अनजाने में हुए गलती गुनाह पापों को क्षमा कर, शरीर और संसार की अभिलाषा से छुटकारा दे, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी सबों के जीवन में काम कीजिए जो रोज डेली प्रतिदिन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं, वचन में शामिल होते हैं, हमारे साथ आपको पुकारते हैं, आवाज़ देते हैं, आप इसे प्रार्थना विनती दुआ याचना करते हैं। हे प्रभु उन सबों के जीवन में आशीष दीजिए, जो चाहिए दीजिए प्रभु, जो काम बंद पड़ा है रुका है उस काम को चालू कीजिए, स्टार्ट कीजिए और सफल कीजिए। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर दे, कृपा कर दे, प्रभुता कर दे। लॉर्ड जीसस स्तुति हो, थैंक यू जीसस, महिमा हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। प्रभु जी आज के फास्टिंग प्रेयर में जो कोई जो कुछ भी आपके नाम से मांग रहे हैं, जो करने के लिए आप इसे कह रहे हैं, हे खुदा आप देने की और करने की कृपा करें। आज के सबों के फास्टिंग में की गई प्रार्थना को सुनिए, सबों के उपवास के दशा को देखिए, सबों के उपवास का प्रतिफल सबों को दीजिए प्रभु। हे खुदा सब कुछ ठीक करने वाला, सब कुछ सही करने वाला, सब कुछ देने वाला तू है, संभालने वाला हमारा सहारा तू है स्वर्ग के पिता। सहायता कीजिए लॉर्ड जीसस, मदद कीजिए पिता, आपकी स्तुति करते हैं खुदा से, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, संभालिए आज का दिन तूने दिया है, आज के दिन विशेष आशीष हमें दीजिए, बेस्ट बड़ा काम प्रभु हमारे जीवन में कीजिए। स्तुति हो प्रभु, तू अद्भुत अनोखा खुदा है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन कठिन मुश्किल असंभव नहीं है, तू सब कुछ करने का और बदलने का ताकत सामर्थ रखता है, तेरे लिए कोई रोग बीमारी भी बड़ा नहीं है प्रभु। जितने बीमार हैं उन्हें छूले और चंगाई दे, जिनका कोई काम कार्य रुका है होने दे प्रभु। अनुग्रह कीजिए जिनके ज़मीन के ऊपर विवाद है प्रभु, ठीक कीजिए स्वर्ग के पिता, किस मुकदमा खुद के चेहरे से छुटकारा दीजिए, फंसा हुआ रुपया को निकालिए प्रभु, रुके हुए सैलरी को आने दीजिए, वीज़ा को आने दीजिए, जो कोई जो कुछ के लिए अप्लाई किए हैं, जो इंटरव्यू दिए हैं स्वर्गीय पिता, अपना डॉक्यूमेंट कहीं जमा किए हैं प्रभु, सफलता दीजिए। अनुग्रह कर आज प्रभु गुड न्यूज सबों को दे प्रभु, आशीष की ध्वनि सबों के जीवन में उत्पन्न कर खुदा, धन्यवाद देते होने दे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिताजी, आशीषों का पिता धन्यवाद करते हैं, ज्योतियों की पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु, आशीष दीजिए सबों के जीवन में, अपनी ज्योति को प्रभु उदय कीजिए, अपनी प्रकाश किरण को रोशनी उज्याला को प्रभु से उदय कीजिए, ताकि उसके प्रकाश से सब प्रभु चंगाई को छुटकारा को पाए, आशीष को पाए। अनुग्रह कर खुदा, 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 अनुग्रह कर खुदा। अस्तुति हो, 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 अस्तुति हो पिता। धन्यवाद ना श्री, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस, आपका आदर सम्मान करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कि तू सुना, ग्रहण किया, स्वीकार किया, उत्तर भी पिता हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं सारे कठिनाइयों से प्रभु पार कीजिए, सारे उलझन कलेश से प्रभु जी छुटकारा दीजिए प्रभु, सारे समस्या का हल निकालिए प्रभु, समाधान कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपका अनुग्रह की दृष्टि दया कृपा प्रभु, करुणा की दृष्टि प्रभु हमारे ऊपर और हमारे परिवार के एक एक सदस्यों के ऊपर
बनी रहे प्रभु जी, स्वभाव को प्रभु जी, व्यवहार को प्रभु, सही से उठना बैठना चलना लेटना सोचना देखना सब पाक पवित्र होने पा सहायता कीजिए। खुदा धन्यवाद देते आपकी स्तुति हो प्रभु जी। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन अपनी प्रार्थना विषय हमें दिए हैं उस पर दृष्टि कीजिए और उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में दीजिए ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। काम कर, बड़े बड़े चमत्कारों को कर, बड़े बड़े कार्यों को कर। खुदा तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है और तुझ में हम भी प्रभु बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु आपके अनुग्रह हिम्मत शक्ति को मांगते हैं, सहायता की इसे मार्गदर्शन को मांगते हैं प्रभु जी। आपके ज्ञान प्रकाश में हाँ आपके ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश में चलना चाहते हैं, आपकी सम्मति मांगते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए राजा। धन्यवाद यीशु, सहायता करते प्रभु जी, सहायता करते प्रभु जी। बंद मार्गों को, बंद कामों को प्रभु जी स्टार्ट कर, बंद आशीषे प्रभु जी, उन्नति बढ़ोतरी सफलता प्रभु जी चालू कर। धन्यवाद यीशु, शैतान प्रभु जिसके जीवन में प्रभु जी कार्य करता है प्रभु, शैतान को उनके जीवन से निकाल दीजिए। जिसके जीवन में आशीष को रोक करके रखा है, उनकी सफलता को प्रभु रोक करके रखा है, जिनके धन संपत्ति के ऊपर कब्जा किया है, बॉडी के किसी अंग के ऊपर कब्जा किया है प्रभु जी, शैतान से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद कि आप सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी प्रभु जी हाँ आमीन में दिए। धन्यवाद देते, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दे प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, सारे दर्द सूजन को खत्म कर दे प्रभु। प्रभु शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी, कैंसर, इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम से प्रभु छुटकारा दे। सफ़ेद दाग धब्बे से प्रभु जी, मिर्गी से, लकवे की बीमारी से प्रभु, हर एक रोग बीमारी से प्रभु छुटकारा दीजिए। जिस रोग बीमारी से ये भाई, ये बहन, पाचन औसन, बड़े बुजुर्ग पीड़ित हैं स्वर के पिता, सहायता कर इनके परिवार में जो बीमार है उनको भी तू छू और चंगाई दे। धन्यवाद कि तू छुआ, स्पर्श किया, चंगाई दिया। इसके लिए प्रभु जी लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। सहायता कर दीजिए प्रभु, मदद कर दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 नासरी आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा आपके जीवन में, अपनी महिमा को प्रकट करेगा, अपने काम को, अनुग्रह को प्रकट करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करना, प्रभु के वचन को पढ़ना, छोड़ना नहीं है। यही यानी कि प्रार्थना और वचन ही आपके हर एक समस्या का हल निकालेगा, समाधान करेगा, आपको सुख से रखेगा, प्रभु के करीब रखेगा, प्रभु के आशीष को आपको प्रदान करेगा, आपको दिलाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे। आज शाम 4 बजे के प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए। प्रभु आप पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ करते हैं, उसका उत्तर प्रभु जरूर देगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे, देख रेख करे, आपको और आपके परिवार को अपने पन्ना में रखे, अपने छत्र छाया में रखे, अपने ज्योति में, अनुग्रह में चलाए। इमानुएल आपके संग संग चले, आपके निकट रहे और आपको संभाले। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरी नाम